जय माता दी। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ दम आलू। तो इसके लिए हमने आलू लिया है छोटा छोटे, और उसको उबाल लिया है पहले से ही। ये देखिए कितने छोटे छोटे आलू है ना। अब इसमें इसे बनाने के लिए हमने लिया है धनिया पत्ती, टमाटर, अदरक पीसी हुई और हरी मिर्च पीसी हुई, और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और काजू पेस्ट। अब हमने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, लौंग थोड़ी सी, दो इलायची और दो दालचीनी। अब हम इसमें डालेंगे अदरक पेस्ट, मिर्च पेस्ट। इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और हमने जो धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर रखे थे उन सबको एक साथ ही हम डाल देते हैं। ये अब इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। नमक डालेंगे अब स्वाद अनुसार। इसको फिर भूनेंगे। जब तक टमाटर पक ना जाए तब तक। ये देखिए टमाटर हमारे पक चुकी है बिल्कुल ही, एकदम गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए। अब हम डालेंगे इसमें काजू पेस्ट। अब इनको भी थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए हमने लगभग इनको मसाला को भून भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब आलू को डाल के थोड़ी देर और भूनेंगे, जैसे मसाला की तरह अच्छी तरह से ये भून जाए इस तरह से। अब डालेंगे धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल के, और थोड़ा सा और चलाएंगे करछी।
अब धीरे धीरे ये भून चुका है लगभग पूरा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी देर में पानी, इसमें पानी ऐड करेंगे अभी। अब उसको चला के थोड़ी सी, ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक देंगे, अब हम इसको ढक देंगे अच्छी तरह से। अभी देखिए ढकने के बाद ऐसा हुआ है, थोड़ी सी देर और पकाएंगे हम। हाँ ये देखिए हमारे दम आलू लगभग तैयार हो चुका है। देखिए ग्रेवी इतनी ही रखेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इसको हिलाएंगे थोड़ी सी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी देर में गरम मसाला पाउडर, अब इसको मिक्स करेंगे। हमारे दम आलू तैयार है। अब उतारने से पहले थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। ये देखिए हो गया ना दम आलू। फिर ये देखिए हमारे दम आलू एकदम तैयार। अब हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए हमारे दम आलू खाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती सजाने के लिए, सुंदर लगती है दिखने में। आप भी इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा ज़रूर, और बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है। जय माता दी। देखते हैं कैसी बनी, आइए कि नहीं आवाज़।